पाकिस्तान में हत्या हुई और भाजपा नेताओं की फोटो लगातार वायरल हो रही है। देखो ये बहुत दर्दनाक घटना है और हमको इसकी जितनी हो सके इतनी भर्त्सना करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि उनको घटना होने के बाद में जो वीडियो वायरल होते हैं उसे ऐसा महसूस होता है कि ऐसे लोग एक सोची समझी नीति के तहत पूरे देश में शांति फैलाना चाहते हैं। इतनी क्रिमिनलों की हिम्मत बढ़ गई हत्या करना और उसका वीडियो बनाना और वीडियो वायरल करना, और इसमें हम सबको मिल करके ऐसी घटनाओं को रोकना चाहिए। और दूसरी बात ये कि ये पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, जो जो भी ऐसे व्यक्ति हैं, देखो बदमाश की, असमझ तत्व की और ऐसे आतंकी की कोई न तो जात होती है न कोई धर्म होता है। हमारे मुस्लिम धर्म के लोग सारे चीज़ों की भर्त्सना कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जैसा पता लग रहा है, विशेषकर इन लोगों के तार कई जगह बीजेपी के नेताओं से जुड़ी हुई हैं, उनके साथ में उनको फोटो वायरल हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि या तो वो जो लोग ऐसी घटना करने वाले, पता नहीं किस कारण से वहाँ जाके उनसे जुड़े हैं, क्यों जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोगों को हम सबको मिल करके और ऐसा व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको तुरंत फांसी मिले। कोई आदमी हिम्मत नहीं कर पाया ऐसी घटना करने की, हिम्मत नहीं कर पाया, सबसे बड़ी बात है वीडियो वायरल करने की। ये तो बहुत ही दर्दनाक है, वीडियो कोई आदमी ऐसी घटना करे और फिर उसको वीडियो वायरल करे। जैसे जिस तरीके से भाजपा नेता उगाना कि तालिबानी सोच विकसित हो रही है, तो आप ये माने कि तो भाजपा नेता ही कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है? ऐसा मैं अंजाम के तो नहीं कहता, लेकिन ऐसी मानसिकता वाले लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस ही हो। और अभी तक जो पकड़म आए वो लोग बीजेपी के कार्यकर्ता मिले, तो मैं ये तो नहीं कहता उन्होंने बढ़ावा दिया है, लेकिन वो लोग उनके संपर्क में जरूर है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। हमारे हार्दिक इच्छा है कि पूरी राजस्थान में ERCP प्रोजेक्ट लागू होना चाहिए, क्योंकि 13 जिले से इफेक्ट हो रहे हैं और इसको लेकर के जैसे मोदी जी अनाउंस करते गए थे और वो मंत्री जी उनके मुकर रहे हैं, राज्य सरकार ने हालांकि अभी माननीय मुख्यमंत्री मदन मिट्टी लित्रो ने यह कहा था कि केंद्र सरकार नहीं भी पैसा देगी तो हम हमारे स्तर पर इस काम को पूरा करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा बजट है और मोदी जी को अपनी बात पर रहना चाहिए, उनको इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए, पहला मेरा बिंदु ये है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है इसमें कि बीजेपी वाले भ्रम फैला रहे हैं, अक्सर इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत से पॉइंट लिए नहीं, और ये सही भी है कि बहुत से पॉइंट नहीं जुड़े, लेकिन क्या है कि इंदिरा गांधी नहर कैनाल जब बना था तो कोई सारे पॉइंट नहीं लिए थे, पॉइंट जुड़ते रहते हैं, होते रहते हैं, और ये प्रोजेक्ट आज उनको इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं लिए। तो आप ये बताओ ये ERCP पर प्रोजेक्ट बनाया किसने था, कौन से सरकार के टाइम पर प्रोजेक्ट बना था? ये प्रोजेक्ट बना था 16-17 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी, लेकिन हमारा वो एक अलग मुद्दा है। अभी मेन मुद्दा यह है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया जाए ताकि यह फंडिंग टाइम पे मिले और सारे प्रोजेक्ट पूरे हों, और जो जो रह गए वो तो सब जुड़ जाएंगे, जुड़ते रहते हैं।